अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बीफ पाए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है नलियाँ, और हम लोग इन दोनों को मिक्स करके आज की जो रेसिपी वो तैयार करेंगे, क्योंकि रेसिपी हमारी बेसिकली पायों की है लेकिन इसके अंदर हम जो से वो गुद्दे वाली नलियाँ हैं वो भी डाल रहे हैं। तो इसकी तरकीब क्या होगी और ये मज़ेदार जो से पायों की रेसिपी कैसे तैयार होगी ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ना बड़े पाए लिए हैं, ठीक है, ये सात नलियाँ भी ली हैं, और ये हम लोग ना किसी की फरमाइश पर पका रहे हैं, जिसकी फरमाइश पर पका रहे हैं वो खाएँगे भी, ठीक है, ठीक है। वो मेरे हाथ खास मारे अपने हैं, वो मेरी भांजी है, उसने फरमाइश की है, वो आ रही है दूर से, वो पिंडी से, उसकी फरमाइश पे मैं पका रही हूँ। सर्दी भी बहुत है, उसने कहा खाला ये पका के रखने हैं मेरे लिए, इसलिए ठीक है जी। तो हम लोग रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं, हम आप लोग की रिक्वेस्ट भी पूरी करते हैं, लेकिन हमारे अपने हम उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी करते हैं। चम्मच मैंने ना नमक के डाल दिए हैं। अच्छा जी, वो ना ये ना उबलने रख दूंगी, फिर ये बाद थोड़े से ये गल जाएंगे ना, फिर इसके बाद ये गोश्त डाल दूंगी, ये नली है, ठीक मतलब है, इसके अंदर पानी डाल के अब हम इसको पकने रख देंगे। हाँ जी, मैं पानी डाल देती हूँ। तो ये पानी भी हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर। चले बस ये ना उबलने रख देते हैं, फिर थोड़े से गल जाएंगे ना, फिर इसके बाद वो डाल देंगे, नलियां डालेंगे हम। हाँ तो जी, फिर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो पूरा देखना है। हाँ जी, फिर मसाला भूनेंगे, फिर आप के मज़ेदार सी जोन से ये रेसिपी है पायों के हवाले से वो कैसे तैयार होगी। इसे टाइम लगता है ना। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोश्त पकने के लिए रख दिया था यहाँ पर, तो क्योंकि आज की हमारी जो सी रेसिपी है वो है बीफ पाए, और उसके अंदर हम लोग जो सी हैं वो नलियाँ भी शामिल कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने पायों को गलने के लिए रख दिया, इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच जो सा है वो नमक का शामिल किया था, इसके अलावा हमने कोई चीज़ के अंदर शामिल नहीं की, और अब हम उसके अंदर जो सी नलियाँ वो डाल रहे हैं। हाँ जी, डाल दी, हम ये हिला देती हैं, ये पकेंगी अब। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग हम लोगों ने दिखाया कि आज की जो सी हमारी रेसिपी वो है बड़े पाए, और हम लोग जो बीफ पाए बना रहे हैं साथ नली डाल के, तो हम लोगों ने जो पाए हैं वो पकने के लिए रख दी हैं, नलियाँ भी हम लोगों ने डाल दी हैं। तो अब हम लोगों ने जो सा उसका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर जो सी चीज़ें मम्मा ने वो निकाल दी हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डाल के मसाला तैयार करना है। तो मम्मा, अब आप हमें बता दें कि कौन कौन सी आप लोगों ने स्पाइसिस यूज़ किए हैं इसमें। ये मैंने तीन प्याज ले लिए हैं बड़े सारे, मैं ना ऑयल डाल देती हूँ। चले बस, ठीक है। अब मैंने ना ये दो टमाटर लिए हैं, अभी दही मैंने डालनी है भूनने वक्त, वैसे मैंने दिखा रही हूँ टमाटर, दही ना फ्रिज में पड़ी है। तो ये ना दो गट्ठे लिए लहसुन के, ये अदरक लिया इतना बड़ा सारा, ठीक है, ये एक चम्मच हल्दी का है, ये डेढ़ चम्मच मिर्च का है, आधा चम्मच नमक का है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल दिया था, ये एक चम्मच जीरे का है, ये है तेज़ पत्तर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तेज़ पत्तर खुशबू वास्ते, ये खड़ा मसाला है गर्म मसाला, लौंग है इसमें, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है। तो अब हम लोग सारी चीज़ें इस प्याजों के अंदर डाल देंगे। नहीं, ये प्याज ब्राउन करेंगे ना, ये फिर इसमें डालेंगे, ठीक है, प्याज ब्राउन करने के बाद ना ये लहसुन प्याज अदरक लहसुन, ठीक है, डाल के भूनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टमाटर भी डाल दूंगी, ये भी गल जाएंगे साथ, ये प्याज फिर गलने के लिए रख देंगे, फिर इसमें दही डालेंगे, फिर ये सारे मसाले डाल के वो करोड़ों को सालन में डाल देंगे, ठीक है। तो समझ आ गई। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी रेसिपी यहाँ पर हम उसका मसाला तैयार कर रहे हैं बीफ पायों का, वो कैसे तैयार होगा। हाँ जी, ये मैंने टमाटर भी साथ ही काट लिए, लहसुन अदरक भी डाल दिया मैंने साथ ही, दोनों तो भी बस हम लोगों ने यहाँ पर प्याज ब्राउन कर ली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मसाला सेपरेट से तैयार कर रहे हैं। तो प्याज हम लोगों ने लाइट से कलर करने के बाद उसके लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर हमने दो दस लिए थे, और अब हम लोग उसके अंदर पानी डालकर इन तमाम सब चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे। तो फिर जो हमारा मसाला है जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि आप अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने कौन कौन से स्पाइसेस दिए हैं और उनकी मकदार क्या है, वो हम उसमें शामिल कर देंगे। हाँ जी, ये भून के ना फिर मैं पानी डाल दूँगी, तो फिर इसके बाद जब मसाले डालेंगे ना फिर दही डाल दूँगी, क्योंकि ये टमाटर भी साथ ही हो जाएंगे, ये अच्छी तरह लहसुन अदरक हो जाए ना।
इससे इंशाल्लाह जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम लोगों ने भून लिया, हमने 5 मिनट भून लिया, अब मैं पानी डाल रही हूँ। ये देखो हम लोगों ने पानी शामिल कर दिया, इसको हम लोग ढक कर रख रहे हैं पकने के लिए, तो प्याज गल जाते हैं, तो फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखने के मज़ेदार सी जो सी आज की हमारी रेसिपी है, जो सी हम लोग बीफ पाए आपको बनाना सिखा रहे हैं, वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखिए ना पानी सूख रहा है इसका, तो अच्छी तरह फिर भूनेंगे। दही भी अभी डालनी मैंने इसे, इसमें डाली नहीं गई। सिंपल अभी हम लोगों ने प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने लिया था, ये हम लोगों ने तीन चीज़ें शामिल की थी और पकने के लिए हमने इसको रख दिया था। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि दही हम लोग बाद में शामिल करेंगे, तो वो अब हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हाँ जी, ये बोंग वाले खरौड़े पक रहे हैं ना, बोंग खरौड़े नलिए भी साथ इसके, माशाल्लाह। तो ये भी पक रही हैं और यहाँ पर हम मसाला भी तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, ये मैंने दही फेंट ली है, दही भी डाल दी है। तकरीबन 1 कप हम लोगों ने दही ली है और दही भी हम लोगों ने इसमें शामिल कर दी है। पाव सारी होगी दही, 1 कप, 1 पाव हम लोगों ने दही ली है, वो भी हम लोगों ने डाल दी है। तो कटोरी यानी कि 1, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको पकने के लिए रख देंगे। हाँ जी, ये मसाला अब ना भूनते हैं, फिर इसमें नमक मिर्च डालते हैं, वो डाल के ना फिर इसमें है ना करोड़ों में ये सारा डाल, जो मसाला है वो हम लोग शामिल कर देंगे, क्योंकि मसाला हम लोग यहाँ अलग से तैयार कर रहे हैं और जो उनसे पाया वो हम लोगों ने अलग से पकने के लिए रखे हुए हैं। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखना कि मज़ेदार सी जो उनसे बीफ पाए की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी, जिसके अंदर हम स्पाइसेस डालते हैं। आप बनाएं माशाल्लाह, बहुत अच्छे बनेंगे, फिर हमें आप बताएं। ये तो व्यूअर्स हम लोगों ने स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर दी हैं, वही स्पाइसेस है जो हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो के शुरू में दिखाए थे, इनकी मिकदार हम लोगों ने कितनी कितनी ली है और कौन कौन से हम लोगों ने स्पाइसेस लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से डाल के हम मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमारा मसाला है वो तैयार हो जाएगा और हम लोग जो इसको हाँ जी, ये देखें ना मसाला सारे डाल दिए हैं, दही भी टमाटर भी हर चीज़ डाल दी है मैंने इसमें। अब माशाल्लाह ना अच्छी तरह भून के ना इसे, अब घी आ जाए इसका, तो फिर वो हम खरौड़ों में डाल देंगे ये सारा मसाला। जी ये देखें घी भी आ गया, अच्छी तरह हमारा मसाला भुना गया है, माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब मैं ना इसमें ना डाल देती हूँ देख के। ये तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने जो सा मसाला अलग से तैयार किया था वो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया है, तो अब ये पक रहे हैं। तो मम्मा इसको हम लोग कितनी देर मज़ीद पकाएंगे? अब थोड़ा सा पका लेते हैं, मसाला तो तैयार है हमारा, चलो और थोड़ी देर पका लेते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से, हाँ अच्छी तरह, धनिया अदरक डालते हैं तो फिर जो से हमारी रेसिपी है वो फाइनल हो जाए। हाँ जी, ये देखे ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत अच्छी आ रही है, और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए अपनी मर्जी है ना, जितना मर्जी। ये देखें तेज पत्तर, ये गरम मसाला, ये देखें सब चीजें, सब चीजें घी भी ऊपर से ऊपर आ गया है, गरम मसाला पिसा हुआ भी डालूंगा। ठीक है, तो व्यूअर्स अभी हम लोग इसके अंदर गरम मसाला भी डालते हैं, उसको थोड़ी देर पका भी लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके जो फाइनल लुक होगा वो कैसे होगा। ये माशाल्लाह मैंने गरम मसाला डाल दिया, तो कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा आ गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। गर्म मसाला भी हम लोगों ने लास्ट में शामिल कर दिया है और अब ये जो हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब इसको हम लोग डिश आउट करेंगे मम्मा? हाँ जी बेटा, वो धनिया डाल दिया। ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने धनिया और अदरक डालना है और इसको हम लोगों ने डिश आउट करना है। तो व्यूअर्स आज की जो से हमारी रेसिपी फाइनल हो चुकी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आप आसानी घर में बना सकते हैं। ले जाइए, तो सोने पे सुहागा हो गया, उसका हुसन और दुबाला हो गया। हम लोगों ने जो सा है धनिया हरी मिर्च और अदरक मिर्च के ऊपर डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए इसको रिशॉर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो आज हम लोगों ने जो से बनाए हैं वो है बीफ पाए नली और निहारी, यह रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। तो ये देखिए आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह घी भी इसके साइड्स पे आ चुका है और जो है ये गोश्त ये भी गल चुका है।
और हम लोगों ने इसको धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ जो सा है वो गार्निश किया है। साथ हम लोगों ने इसके ऊपर नींबू भी रख दिया है, तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इस खुशबू के से जो है भूख वो जा गई है। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।